भारतीय जनता पार्टी से मंत्री बलदेव सिंह ओलख हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करते हैं आज। किस तरीके सर, किस तरीके से जो है अपन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी और किस तरीके की तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पाँचों साल और 12 महीने काम करते रहते हैं, चुनाव चाहे नगर पालिका का हो, MLA को हो या MP को हो, हमारे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ हर चुनाव में काम करते हैं। और इस बार नगर पालिका की सारी सीटें हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व में निकलने वाली है। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव के लिए, क्योंकि निकाय चुनाव पे इतना गौर नहीं की जाती, मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी सहित समाजवादी पार्टी भी मैदान में है और मुकाबला करने के लिए तैयार है? देखो, मैं आपको बताता हूँ, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ लगती है और अपने जो भी उनके उम्मीदवार होते हैं उन्हें जिताने की कोशिश करती है और वो जीतते हैं। और पूरी ईमानदारी के साथ कार्यकर्ता अभी से नगर निगम को, नगर पालिका को, टाउन एरिया को लेकर पूरा सक्रिय है। और आपको कहना चाहता हूँ, आप देखिए, एक तरफा नगर पालिका और नगर निगम और टाउन एरिया के अध्यक्ष हमारे होंगे। ठीक है सर, अभी आपने देखा होगा कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया है जिसमें समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां को 3 साल की सजा सुनाई बस जुबानी को लेकर, क्या कहेंगे ऐसा? देखो, मैं तो इतना कहना चाहूँ, कोई भी नेता छोटा हो या बड़ा हो, उस पर अपनी भाषा पे, अपनी जुबान पे कंट्रोल ही करना चाहिए और कोई ऐसी चीज़ अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए जिससे किसी प्रतिष्ठा का किसी के आघात पहुंचा हो, किसी समाज को तोड़ने की बात हो, या किसी आपके भाषण देने से कोई सांप्रदायिक झगड़ा ना हो। ये सारी चीज़ें, ये जो फैसला आया है, ये लोगों के लिए नसीहत है कि इनको चाहे कोई भी लीडर हो, उसे संयम से अपना भाषण देना चाहिए, संयम से बात करनी चाहिए और देश को और समाज को और सबको जोड़ते हुए ही भाषा पे कंट्रोल करते ये काम करना चाहिए। चुनाव अब फैक्ट्री में बहुत सारे इंडस्ट्रियल यहाँ पर आके अपना इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बलदेव सिंह ओलख थे जो भाजपा मंत्री हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है कि जल्द उद्योग यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज एरिया जब बनेगा तो जाहिर सी बात है उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाएंगे और रोज़गार देने का काम करेंगे। फिलहाल बड़ा सवाल यह है, आखिरकार चुनाव नज़दीक है और चुनाव के तौर पर जो है निकाय चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। मंत्री जी ने खुद कहा है कि हमें ये सारी सीटें हासिल करनी है, अभी देखना होगा क्या कड़ा मुकाबला होता है, कौन जीता है, किसके सर पर ताज बनता है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, क्यू टीवी भारत, रामपुर।